नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका द न्यूज टॉक पर। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सभी 50 से भी ज्यादा बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं जरूर बताइएगा। तो चलिए बिना देरी किए जानते हैं सभी बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 तारीख को हैदराबाद में करेंगे रेल परियोजनाओं की शुरुआत। जोशी मठ मामला, सुप्रीम कोर्ट का तत्काल सुनवाई से इनकार, अदालत ने कहा हर मामले में यहां आना जरूरी नहीं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के दौरान पीएम मोदी को सम्मानित करने के लिए भाजपा कर सकती है रोड शो। संयुक्त राष्ट्र का दावा 2050 तक देश में 3700 बांध की जल संग्रह क्षमता 26% हो जाएगी कम। उत्तराखंड में महिलाओं के 30% क्षितिज आरक्षण विधेयक को राज्यपाल ने दी मंजूरी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब पहुंचे राहुल गांधी, पीली पगड़ी बांध टेका माथा। राज ठाकरे सिर्फ गुजरात नहीं, सभी राज्यों को अपने बच्चों की तरह देखे, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। अमित शाह पर शरद पवार का हमला, बोले वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कर रहे गलत बयानबाजी। भाजपा महासचिवों की दिल्ली में अहम बैठक, 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव पर नजर। लखीमपुर में 450 हेक्टेयर वन भूमि को खाली कराने का अभियान शुरू, 500 से अधिक परिवार होंगे प्रभावित। 6 बहुराष्ट्रीय कंपनियां यूपी में करेगी 17,000 करोड़ का निवेश, 21,000 को मिलेगा रोजगार। जनवरी के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा नया संसद भवन, आगामी बजट सत्र के आयोजन पर फैसला बाद में। जम्मू कश्मीर में आतंकियों को चुनौती देने के लिए ग्रामीणों को हथियार चलाना सिखाएगी सीआरपीएफ। असम के सीएम शर्मा बोले लोगों ने कम्युनिस्ट को भारत से बाहर खदेड़ दिया। पुरानी पेंशन पर आरपार की लड़ाई का ऐलान, केंद्र राज्य कर्मी हुए एकजुट, 8 माह बाद होगा भारत बंद। पोंगल निमंत्रण में राज्यपाल रवि ने तमिलनाडु को लिखा तमिल जगम, डीएमके क्षेत्रीय पार्टियां भड़की। भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की सूची, अब तक 23 उम्मीदवारों ने भरे पर्चे। यूपी एमएलसी चुनाव के तहत भाजपा ने जारी की उम्मीदवारों की सूची, अब तक 23 उम्मीदवारों ने भरे पर्चे। विजिबिलिटी कम होने से 70 से अधिक विमानों की उड़ान लैंडिंग में देरी, लेट से चल रही 36 ट्रेनें। पेपर लीक मास्टरमाइंड के मकान पर बुलडोजर चलाने की तैयारी, राजस्थान में आरोपियों के घर नापने पहुंची जेडीए टीमें। देश में मौजूद है ओमिक्रॉन के सभी सब वेरिएंट, कोरोना की खतरे के बीच सरकार ने दी अहम जानकारी। राहुल के विवादित बयान पर एससी इंडिया ने तोड़ी चुप्पी, बोले कांग्रेस की नकारात्मक सोच उन्हें ही मुबारक। गोधन न्याय योजना, किसानों की बल्ले बल्ले, सीएम भूपेश ने हितग्राहियों के खाते में डाले 7,05,00,000 रुपए। तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर बोले केरल की राजनीति पर करेंगे ध्यान केंद्रित, 2026 में है चुनाव। बेंगलुरु में निर्माणाधीन मेट्रो पिलर गिरा, 2 की मौत, कांग्रेस बोली 40% कमीशन सरकार का नतीजा। G20 मीटिंग में सीएम ममता बनर्जी बोली बंगाल उत्तर पूर्वी एशियाई देशों का प्रवेश द्वार। रोहित विराट का फिर से T20 के लिए टीम इंडिया में चुना जाना मुश्किल, हार्दिक ही रह सकते हैं कप्तान। यात्रियों को छोड़कर उड़ान भरने के मामले में DGCA सख्त, 9 फर्स्ट से रिपोर्ट तलब। स्टॉक ऑप्शंस के हकदार नहीं पेटीएम CEO विजय शेखर, IIAS में उठाए सवाल। बॉम्बे हाई कोर्ट ने धूत की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर CBI से हल्फनामा मांगा, 13 को सुनवाई।
मुंबई एयरपोर्ट पर 28.10 करोड़ की कोकीन बरामद। हनी ट्रैप में फंसाकर यात्री से करवाई जा रही थी तस्करी। अमूल के एमडी पद से आरएस सोढ़ी का इस्तीफा, सीओओ जयन मेहता को मिली जिम्मेदारी। घरेलू शेयर बाजार में सपाट शुरुआत, सेंसेक्स 300 अंक लुढ़का, निफ्टी 18,100 के नीचे। ज्वेलरी शो दो दिन में हुआ 200 करोड़ का कारोबार, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली से पहुंचे व्यापारी। महाराष्ट्र में सियासी संकट, शिवसेना की बंटवारे पर 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, उद्धव गुट ने रखी मांग। एसटीएफ ने मध्य प्रदेश से एक और आतंकी को दबोचा, लाया जा रहा है कोलकाता। कोलकाता हाईकोर्ट में वकीलों का प्रदर्शन, जस्टिस मंथा की कार्यवाही में हिस्सा लेने से किया इनकार। एमसीडी मेयर चुनाव, भाजपा ने केजरीवाल को बताया टुल्लू पंप, मुख्यमंत्री कहा आप पार्षदों में हुई फूट। एयरपोर्ट सुरक्षा को लेकर सख्त हुई सरकार, केंद्रीय गृह सचिव ने की उच्च स्तरीय बैठक। बंगाल में स्कूल की मिड डे मील में मिला सांप, खाना खाने के बाद कई बच्चे बीमार, अभिभावकों ने की तोड़फोड़। तेलंगाना के मुख्य सचिव सोमेश कुमार को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, पुणे भेजे जाएंगे आंध्र प्रदेश से कैडर। उत्तर भारत में और बढ़ेगी ठंड, कई जगहों पर बारिश की भी संभावना। मॉस्को गोवा की फ्लाइट में सुरक्षा दस्ते की जांच पूरी, नहीं मिला कुछ भी संदिग्ध, बम की सूचना केवल अफवाह। गर्भनाल रक्त का गलत तरीके से हो रहा प्रचार, आईसीएमआर ने सख्त कार्रवाई की तैयारी की। उत्तर प्रदेश में सर्दी का प्रकोप जारी, कड़ाके की ठंड की वजह से हार्ट अटैक का खतरा जारी। लाखों के टायर चोरी के वीडियो वायरल पर 6 गिरफ्तार, 2 तमंचे, 4 कारतूस और 5 मोबाइल बरामद। न्यायमूर्ति कौल ने कहा मुकदमों की संख्या कानूनी व्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौती। प्रदर्शनकारी छात्रों ने संस्थान बंद करने का किया दावा, हिंसक हो रहा विरोध। तेलंगाना में 60 सरपंचों की आत्महत्या के लिए कांग्रेस ने केसीआर सरकार को ठहराया जिम्मेदार, लगाए गंभीर आरोप। केरल में रमेश चेन्नीथलान ने सुकुमारन नायर के आरोपों को किया खारिज, कहा विधानसभा चुनाव में नहीं था सीएम उम्मीदवार। अमेरिका में कोवैक्सीन के परीक्षण में मिले सकारात्मक नतीजे, ओकुजेन इंक के सीईओ ने दी बड़ी जानकारी। सीआरपीएफ ने 2022 में 148 आतंकियों नक्सलियों का किया सफाया, गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होगी महिला टुकड़ी। विमानों में हाल ही में हुई घटनाओं को लेकर डीजीसीए सख्त, एयर इंडिया को कारण बताओ नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने छपरा जहरीली शराब त्रासदी की एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका खारिज की। वहीं झारखंड कांग्रेस में रार, 4 नेताओं ने पार्टी नेतृत्व के खिलाफ खोला मोर्चा, हुए निलंबित। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताएं। धन्यवाद।